हे गाइज वेलकम बैक आर एच डी एडिटिंग जोन। सो गाइज आज हम करने वाले कुछ इस टाइप की यूनिक फोटो एडिटिंग, ठीक है। तो गाइज एक्चुअली इसे फोटो अंदर होने वाली है, उनके फोटो भी के अंदर होके। तो अगर गाइज चैनल पर अगर पहली बार आए तो गाइज सब्सक्राइब का बटन दबा दो एंड घंटी पर ऑल पर जरूर करना, ठीक है। एंड गाइज आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करते, हम चलेंगे सीधे एडिटिंग की तरफ, ठीक है। तो चलो, तो गाइज सबसे पहले आपको इंटरनेट ऑन रखने से, ठीक है, जिसमें मैं रखा हूँ। इंटरनेट ऑन रखने के बाद गाइज आपको इस वाले ऐप को डाउनलोड कर लेना है। एंड गाइज मैं जो भी यूज़ करूँगा उसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है, मेरे वीडियो के किसी वीडियो के अंदर में। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले इसको ओपन कर लेंगे। एंड गाइज ओपन कर देना फाइल पर एंड ओपन, ठीक है। एंड गाइज फाइल, एंड जैसे मैं बैकग्राउंड हमेशा की तरह ऐड करता हूँ, ऐड करने के बाद आपको जो दिख रहा है ना, ये बैकग्राउंड, ये एक्चुअली बैकग्राउंड, ठीक है। अभी हम लाने वाले अपने हीरो को, और हीरो नहीं एक्चुअली मॉडल को, ओके। तो हम पहले मॉडल को ऐड करेंगे, ठीक है, मॉडल, ठीक है। तो ये मॉडल ओके ऐड हो गया। एंड गाइज अभी हमको जो करना है, अभी मैं आपको दिखा दी है, आपको चले जाना है फाइल पर एंड ओके गाइज फाइल एंड ओपन प्लेस, ओके। एंड दो एक PNG है, उसको पहले हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलो पहले हम लेकर आते हैं, उसके बाद बकवास करते हैं, मतलब बात। तो गाइज हम लेकर आ गए अपने मतलब छोटे से PNG को, ठीक है। तो गाइज कुछ इस तरीके से सेट करना, ठीक है ना, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं करना, इस तरीके से सेट मतलब उसको सेटअप करना। तो मैं दिखाता हूँ, देखो, तो इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे इस तरीके से। एंड इसके यहाँ पर हम इसको सेट करेंगे, ओके। एंड गाइस इसको सेट करने के बाद आपको इस वाले लेयर पर क्लिक करना है, ठीक है। एंड डुप्लीकेट एज ए लेयर ले लेना है। एंड डुप्लीकेट लेयर करने के बाद आपको एडिट पर आना है एंड फिर ट्रांसफर, ओके। अब जो से निकल के आएगा उसको हमको इससे रोटेट कर देना है इस तरीके से, बड़ा नहीं जो में रोटेट, ओके, इस तरीके से। तो गाइस रोटेट करने के बाद अभी हम इसको यहाँ पर सेट करने वाले, ठीक है ना, इस तरीके से बिल्कुल आपको हल्का इस तरीके से, ठीक है। एंड गाइस इसको सेट करने के बाद फिर हम एक और डुप्लीकेट एज ए लेयर ले लेंगे, ठीक है। लेयर पर जाएंगे एंड डुप्लीकेट लेयर, तो डुप्लीकेट लेयर सिंपली जैसे कि ना वो ऐसे के वैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नीचे थोड़ा इस तरीके से लेकर आना, एंड इसको भी थोड़ा रोटेट कर देना, इसको इस साइड पर लगा देना, ठीक है। एंड गाइस ये सब करने के बाद आपको जो है इस तरीके से ओके पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है, इससे इधर आना एंड यहाँ मिलेगा राइट, ओके, इस तरीके से हम इसको राइट कर देना, ठीक है। एंड गाइस राइट करने के बाद आपको शायद ये लग रहा होगा कि बाकी का बैकग्राउंड छूट गया भाई, ऐसा नहीं है गाइस, बिल्कुल अभी जो काम बाकी है, ठीक है ना। तो उससे पहले हम पहले ले लेंगे इस क्रॉप टूल को, ओके, जो कि क्रॉपिंग है। एंड गाइस इसको इस तरीके से क्रॉप करेंगे जैसे कि हम इतना तक इसको क्रॉप करें, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा मतलब बेकार लगेगा। इस वाले को भी इस यहाँ तक, ठीक है ना। एंड इसको थोड़ा हम नीचे से इस तरह लाएंगे, ठीक है। तो गाइस ये करने के बाद आपको स्लाइड करके इस तरह आना है, और गाइस इधर आने के बाद आपको सिंपल डिलीट पर क्रॉपिंग पिक्सल्स पर आपको राइट कर देना, राइट करने के बाद इसको सिंपली आपको इसे राइट, तो ये कट गया फोटो हम लोग का, ठीक है। एंड ये कटने के बाद है ना, अभी हम ऐड करने वाले हैं फिर से एक ब्लैक PNG को, आप उसे बैकग्राउंड कह सकते हो, ठीक है ना। तो पहले हम लेकर आएंगे अपने बैकग्राउंड को, काफ़ी ठंडा है यहाँ पर, हवा चल रहा है, अगर इसको हम इसको है ना इस तरीके से खींच के इसको बड़ा कर लेंगे इस तरीके से, ओके। एंड गाइस इसको बड़ा करने के बाद हम यहाँ लेयर पर आएंगे एंड इसकी जो ऑपेसिटी है इसको हम थोड़ा सा घटा देंगे इसे, सो अभी देख सकते हो, है ना। तो गाइस इसको थोड़ा घटाने के बाद है ना, अभी हम आएंगे इस वाले मतलब सॉरी इस पर नहीं इसमें, यानी कि इसको बोलते हैं इरेजर टूल, ओके। एंड इरेजर टूल पर आने के बाद इसे हम थोड़ा सा मतलब इसको इरेज करेंगे, तो इतना बड़ा लेंगे। एंड गाइस इसको इस वाले पर क्लिक करेंगे एंड इसका हार्डनेस कम होना चाहिए, ठीक है ना। एंड फिर से हम इसको बंद कर देंगे एंड जब भी हम इसको टचिंग करेंगे तभी एक ओके टाइप का ओके आएगा, ठीक है ना। स्मार्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी इस तरीके से लिखा आएगा, तो इसे आप ओके करना तभी ये होगा, ठीक है ना। ओके करने के बाद आपको थोड़ा सा जूम कर लेना है, ओके जूम। एंड गाइस इस तरीके से मैं जैसे कर रहा हूँ इस तरीके से आपको भी कर लेना, ठीक है, मतलब थोड़ा आँख में इस तरीके से, ठीक है। आप इसे हैंड से भी कर सकते हो, मैं माउस से करूँ, मतलब ये बड़ी बात नहीं कि माउस से कर रहा हूँ। तो सिंपली आपको मतलब थोड़ा कलर जैसे कि लगे कि लाइट आ रहा है, मतलब है ना, तो इस तरीके से। ओके यहाँ पर सो गाइस यहाँ पर ये सब करने के बाद इस पे से आपको लेयर पर आना, ठीक है, इस पर लेयर पर। एंड इसको ऑपोसिटी जो है थोड़ा तो इसको बढ़ा देना, ठीक है, इस तरीके से इतना तक।
एंड हम देखेंगे इस बार किस किस तरीके से लग रहा है। तो गाइस जैसे लग रहा है उसको थोड़ा सा रिमूव इस तरीके से रिमूव कर देंगे। गाइस ये करने के बाद है अभी हमको पता क्या करना है, इसको थोड़ा सा और माइनस करना है, इस तरीके से डिक्रीज करना है। लोगों को मैं दिखाता हूँ इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो हम इसको मतलब इतना ज़्यादा नहीं करेंगे, इतना तक करेंगे, ठीक है ना। ताकि मतलब 40 अभी 50 तक आपको कर लेना जूम, ठीक है। मतलब जूम नहीं, इसको ऑपेसिटी को डिक्रीज कर लें, ठीक है। एंड गाइस इतना करने के बाद आपको जो इस लेयर पर देखो काफ़ी सारे लेयर्स हो गए हैं। तो गाइस लेयर पर होने के बाद गाइस इसको लेयर पर आना है एंड सिंपली जो अरे ये क्या खराब है। तो अरे भाई हट जा नहीं हट रहा, ठीक है। तो लेयर पर आने के बाद आपको सिंपली यहाँ मिल जाएगा ब्राइटन इमेज एंड इसको एक बार क्लिक कर देना, सिंपली इसको क्लिक कर देना और धमाका देखना सारे लेयर पर है ना जो मतलब लेयर है वो एक हो जाएंगे, ठीक है। एंड सिंपली आपको जूम वाले टूल ले लेना है एंड इसको थोड़ा मतलब छोटा करना, ठीक है, इस तरीके से। इससे जूम छोटा बड़ा होता है, ठीक है। अगर मैं अगर यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये सब छोटा होगा, ठीक है। तो गाइस सिंपली इसको करने के बाद आपको सिंपली चले जाना, आपको मैं अभी जब आप लिंक दूंगा और सब डाउनलोड करो, ठीक है। अभी जो हम ऐड कर वाले PNG, ठीक है। तो PNG हम ऐड कर लेंगे, उसके बाद हम ये मतलब इसका जो रॉ फोटो है उसको हम ऐड करें, ठीक है। तो पहले हम PNG को ऐड कर लेते हैं, ओके। गाइस हम PNG को ऐड कर लें, ठीक है ना। इसको ऐड करने के बाद गाइस बिल्कुल आपको लेयर पर आना है और इसको इसका जो ब्लेंडिंग होगा उसको आपको स्किन कर देना सिंपली। एंड गाइस स्किन करने के बाद आप देख सकते हो पूरे ये मतलब इसका जो ब्लैकिंग था वो हट गया है, ठीक है। एंड गाइस इसको अभी हम करेंगे मतलब ट्रांसफॉर्म होकर ताकि हम इसको सेट कर सकें। तो इसको हम थोड़ा सा खींचेंगे गाइस, ठीक है ना। एक समय रोटेट नहीं करना, इसको हम थोड़ा सा लंबा करेंगे, सॉरी मत गाइस इसको लंबा मत करो, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा सा और एक डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे तो शायद ये देखने में अच्छा लगेगा। तो इसको सिंपली पकड़ के हम यहाँ पर इसको रख देंगे, ये डुप्लीकेट लेयर बन जाएगा। एंड यहाँ पर एडिट पर जाएंगे एंड प्री ट्रांसफॉर्म, तो बस थोड़ा सा इसको उठा के इसको हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना। तो इस वाले हम इसको रोटेट करेंगे इस तरीके से, ओके। तो अभी से थोड़ा सा रोटेट करेंगे इस तरीके से एंड इसको गाइस कुछ इस तरीके से हम बैठा देंगे एंड इसको फिर से हम रिजल्ट खोल लेंगे एंड इस तरीके से मतलब फेस पर जितना लगा हुआ इसको हटा देंगे, ठीक है ना। मतलब थोड़ा बहुत इसको हम रिमूव कर देंगे, मतलब ऐसा लगे कि जुगनू है रामू, कैसा निकला जुगनू का नाका उस तरीके से ना। तो इसे ये सब करने के बाद गाइस ये सब करने के बाद साइड पे आना है एंड देखते हैं। तो ये अपने आप ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया है ना। तो अभी जो हम गाइस करने वाले हैं इसको फिर से हम लेयर पर आएंगे एंड इन दोनों को पता क्या करना है इसके साथ, इसकी तो फैटल इमेज करना, ठीक है। एंड ये करने के बाद गाइस इसको देख लें कितनी मतलब ये है एंड उसके बाद हम लेयर पर आएंगे। इसके बाद है ना हम फिर से लेयर पर ही जाएंगे एंड इस वाले जैसे कि मैंने दोबारा किया वैसे ही करना, ठीक है। एंड लोड ये वाला ऑप्शन ले लेना है एंड इसको भी ले लेना है। देखो देखो भाई मतलब काफ़ी मतलब बेहतरीन लग रहा है ना आप, तो मैं तो खुद एक बार विश्वास नहीं कर पाता कि मैं इसी से इतना मतलब बना लेता हूँ, मतलब ठीक ठाक अभी ठीक ठाक है। तो गाइस अभी इसमें जो कमी जो दिख रहा है ना वो ऑयल पेंट है। तो आप फिल्टर पर सिंपली आना है एंड स्टाइलिश बनाना है एंड ऑयल पेंट मिल जाएगा बड़ी। तो यहाँ साइड कुछ गड़बड़ी हो गया, मैं इसको काट देता हूँ, इसको काट देता फिल्टर एंड इस पर स्टाइलाइजेशन आना है, ऑयल पेंट लिखा होगा, ठीक है। तो सिंपली आपको ऑयल पेंट करनी है, खुद से खुद डिटेक्ट हो जाएगा, ओके। ये थोड़ा बहुत हो चुका है, आप चाहो तो कस्टमाइजेशन यहाँ पर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल कस्टमाइजेशन नहीं करूँगा, वो आपने सही ऑटो कर दिया है। तो सो गाइस देखो आप देखो मैं आपको माइनस कर रहा हूँ। सो गाइस थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, काफ़ी मतलब लंबा सा वीडियो बन गया है एंड गाइस इसको हम डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट एज JPG एंड JPEG में जब भी गाइस आप आओगे ना यहाँ पर देखो आपको पिक्सल मतलब मिलेगा। तो आप मैं हमेशा कहता हूँ HD में सेव करो। तो मैं इसको देखो कितना करूँगा, लगभग 4000 के आसपास करूँगा, 4000 है ना। एंड इसको पूरा मतलब क्वालिटी को फुल करना, ठीक है। क्वालिटी को फुल कर लें बिल्कुल आपको एंड इसको सेव पर क्लिक करना, ठीक है, एंड डाउनलोड कर लें, ठीक है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके।
बाय।